दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर फोन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ सबसे जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम नरसिंह ग्रेवाल है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, रोहतक का। और जब ये बिजनेस को देखा था तो मैं फौज में नौकरी करता था एज ए होल्डर क्लर्क की आर्मी मेडिकल कोर में। और बिजनेस को देखने के बाद मुझे लगा कि इसको करना चाहिए। और मैंने दो बातें सोची, अगर मैं इसको करता हूं तो क्या हो सकता है, नहीं करता हूं तो क्या हो सकता है। तो मैंने एक बंदे से सलाह ली, मैं बोला यार बिजनेस तो बढ़िया लग रहा है, ये इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसने बोला साहब पैसे डूब सकते हैं, 8,000 का नुकसान हो सकता है। तो मैं बैठ के एक बार सोचने लगा, क्या मैंने सोचा आप जानना चाहोगे? मेरे को हां ना में जवाब चाहिए, यस और नो में। और जिसके भी मतलब मुंह में जवान है सारे लोग यस या नो बोलेंगे। अगर किसी भाई बहन के मुंह में तकलीफ है तो गर्दन हिलाएगा, ठीक है? हिला सकते हैं, यस और नो? तो दोस्तों मैंने सोचा अगर मुझे नुकसान इसमें हुआ तो ज्यादा से ज्यादा कितने का होगा, 8,000 का। और अगर इसमें मान लो मैं सक्सेस हुआ, सफल हुआ, तो इसमें मैं करोड़पति बन सकता हूं, यस और नो? लाखों रुपए महीने कमा सकता हूं, यस और नो? बढ़िया गाड़ी चला सकता हूं, यस और नो? बढ़िया घर बना सकता हूं, यस और नो? बीबी का असली असली हस्बैंड जो मर्द, बीबी का असली मर्द कौन होता है, जो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दे, यस और नो? और बच्चों का असली पापा कौन होता है, जो बोले उनको दिला दे, यस और नो? तो मैं बोला अच्छा, बच्चों का असली पापा बन सकता हूं, बीबी का असली मर्द बन सकता हूं, माँ बाप का अच्छा बेटा बन सकता हूं, और गाड़ी बंगला हवाई जहाज सारी चीजों का एंजॉय कर सकता हूं। तो दोस्तों 8,000 का रिस्क इन सब चीजों के सामने छोटा है या बड़ा है? छोटा है। लेना चाहिए था कि नहीं? मुझे लेना चाहिए था। चलो आप लोगों ने बोल दिया कि भाई चढ़ जा पांडे, हम आपके पीछे हैं, तो मैंने रिस्क ले लिया और मैंने इसमें काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया तो शुरुआत में तो मैंने सोचा था कि जिसको भी बताऊंगा वो जरूर समझ जाएगा, क्योंकि मैं समझ गया तो मेरे जैसे समझदार और भी हैं इस दुनिया में, यस और नो? लेकिन जैसे ही पांच लोगों को बताया, पांचों के पांचों ने मना कर दिया, मेरी हवा निकल गई और मैंने अपलाइन से बात की कि सर पांच लोगों को बताया था, सबने मना कर दिया, मुझे नहीं लगता कि मैं डायमंड बन पाऊंगा। तो पांचों लोगों ने, सर ने हमारे जो मेरे अपलाइन थे उन्होंने जिन्होंने ज्वाइन कराया, मैं जरूर उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, सल्यूट करना चाहूंगा दिल से कि उन्होंने मुझे ये प्लान दिखा दिया। अगर प्लान नहीं दिखाया होता तो शायद मैं आज स्टेज पे नहीं होता। और वो कोई और कोई नहीं है, वन एंड ओनली इस सिस्टम के और SSS के पावर हाउस मिस्टर ओम प्रकाश जी। मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए दोस्तों, जोरदार ताली। थैंक यू। उन्होंने मेरे अप्लाई ने पूछा, ग्रेवाल जी कितने को प्लान दिखाया? मैंने बोला सर पांच। बोला क्या हुआ, पांचों ने मना कर दिया सर? बोला आप ये बताओ इस दुनिया में कितने आदमी है? मैंने बोला सर 120 करोड़ होंगे लगभग। तो बोला 120 करोड़ में से पांच घटाओ, कितने बच गए? मैंने बोला अभी भी 120 करोड़। बोला क्यों? मैंने बोला इतनी देर में तो पांच नए पैदा हो गए होंगे, यस और नो? यस और नो? तो बोले आप घबराओ मत कि आदमी खत्म हो जाएंगे, जितने को तू दिखाएगा उससे ज्यादा नए प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं 2 मिनट में, सही है? तो चिंता नहीं करना बिल्कुल। और आप प्लान बताओ दो लोगों को। मैंने बोला सर ज्वाइन नहीं करते तो क्या करूं? बोला उसको तेरा ठेका नहीं है कोई ज्वाइन करता है नहीं करता है, तेरा काम है लोगों को प्लान दिखाना और लोगों का काम है हाँ या ना करना। बस तू एक ही बात कर ले दिल में कि आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, तो डायमंड बन जाएगा साला, डायमंड बन जाएगा। थैंक यू। और मैंने सोचा यार आए तो बेस्ट और नहीं तो नेक्स्ट करने से अगर डायमंड बनता है तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? यस और नो? कितने लोगों लगता है बनना चाहिए, एक बार हाथ खड़े करके दिखा। थैंक यू। और दोस्तों उसी टाइम पे मैंने बोला सर से,
सर ने बोला अग्रवाल जी बात समझने की है थोड़ी सी, अगर आप बात समझ लेते हो तो कोई माई का लाल, कोई इस दुनिया का हवा पानी आपको डायमंड बनने से नहीं रोक सकता। मैं बोला वही बता पहले, कौन सी बता दे जिससे हम डायमंड बन सके, यस और नो। तो उन्होंने एक बात बोली, आप ध्यान से सुनना, बोला आपने दो चार को पांच को दिखा दिया और बात खत्म समझते हो आप, ये कोई 100 मीटर की रेस थोड़ी है कि आप उधर से उधर दौड़े, जीत गए तो ठीक है नहीं तो हार गए, ये तो भैया मैराथन रेस है। कैसी रेस है? आप दौड़ते रहो, फिर पानी पी लो, फिर दौड़ लो, फिर पानी पी लो, फिर दौड़ लो, कौन मना करता है दौड़कर? सही है, कोई मना नहीं करता। दूसरी बात, कम समय में ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है। मैंने बोला वो कैसे? तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया, आप लोगों ने गोली सुना होगा, गोली कंचा, कंची या कंचा या जो भी है गोली सुना, और बोला एक गड्ढा होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अच्छा कोई बोलता है गुच्छू, कोई बोलता है गड्ढा, जो भी है सही है। ओके, तो बोला अग्रवाल जी अगर आपके हाथ में एक गोली है, कंचा है और एक गड्ढा है, उसमें आपको डालना है एक, तो आप डालोगे दूर खड़े होके? मैं बोला सर कोई गारंटी नहीं है, कोशिश करेंगे, डलेगा तो ठीक है नहीं तो नहीं डलेगा। बोला अगर आपके पास दो गोली है, दो कंचे हैं, तो आप फिर आप डाल दोगे? बोला सर फिर भी भगवान का नाम लेना पड़ेगा, दोनों में से डल भी सकता है नहीं भी डल सकता है। लेकिन बोला अग्रवाल जी अगर आपके हाथ में 100 गोली है, कितनी गोली है? 100 कंचे हैं, 100 कंची हैं, और अगर आपने 100 कंचे उस बिल में फेंकोगे तो 2-4 डल जाएंगे कि नहीं डल जाएंगे? मैंने बोला सर साला आंख बंद करके फेंकूंगा तो भी 2-4 तो डल ही जाएंगे। यस सर नो, यस सर नो, डल जाएंगे कि नहीं डल जाएंगे? थैंक यू। मैंने बोला सर डल जाएंगे, आप लोग बताओ डल जाएंगे कि नहीं? फिर बोला डरना किसका, ग्रेवाल जी बाजार में कंचों की कमी है क्या? पकड़ पकड़ के डालते जाओ, ये प्लान जो है आपका वो गड्ढा ही है, उसमें ले ला के डालते जाओ, 150 डालोगे तो पता लगेगा आपको, आपकी रिकमेंडेशन पूरी होगी और आपका काम शुरू हो गया। मैंने सोचा ये फार्मूला तो बढ़िया है, अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए? यस और नो। लेकिन लोग उसी टाइम पे दिमाग लगाना शुरू करते हैं, उसी टाइम पे आप लोगों ने सुनी होगी, मैं आज फिर सुनाऊंगा, 3 बच्चे थे चिड़िया के, उसकी कहानी सुनी होगी लेकिन मैं आज जरूर सुनाऊंगा। एक चिड़िया के 3 बच्चे थे और उनको उड़ना सिखाना था, तो ऊंचे पेड़ पे पहाड़ी के ऊपर एक पेड़ था, उस पे लेके गई चिड़िया और उनको बोला पहाड़ी उस पेड़ पर से धक्का मारती थी ताकि ये उड़ना सीख ले। तो पहले वाले को चिड़िया को बोला, बच्चे को बोला चिड़िया ने, चिड़िया जो माँ थी उसने बोला, बोला बेटा ऐसा है मैं आपको यहां से धक्का मारूंगी, आप एक वेग से स्पीड से नीचे की तरफ जाओगे, लेकिन आपका काम केवल एक ही है, पंख हिलाते रहना। क्या करते रहना? गर्दन ऊपर रखना और पंख हिलाते रहना। तो बोला ठीक है मम्मी, पहले वाले को धक्का मारा, उसने थोड़ी देर पंख हिलाए लेकिन बड़ी स्पीड से नीचे जा रहा था, ग्रेविटेशन फोर्स खींच रहा था नीचे की तरफ, तो नीचे जा रहा चिड़ा वो बच्चा डरने लगा, उसने सोचा यार मैं तो नीचे जा रहा हूं, गिर जाऊंगा और गिरूंगा तो मर जाऊंगा, मुझे लग रहा है मम्मी कुछ बताना भूल गई और मुझे कुछ और करना चाहिए। तो उस टाइम पे पंख हिलाने के अलावा और क्या कर सकता है वो? एक ही काम कर सकता है, पंख हिलाने बंद कर सकता है, और उसने बंद कर दिया और टपक गया, टपकते ही मर गया। सही है। दूसरे बच्चे को समझाया, बोला देख पहले वाला गया तूने देख लिया, बीच में रुक गया पंख हिलाने से, अभी तू रुकना नहीं बेटा, पंख हिलाते रहना, एक स्पीड तक नीचे जाओगे पंख हिलाते रहना, एक ऐसी सिचुएशन आएगी आप स्टेबल हो जाओगे और फिर पंख हिलाते रहोगे तो ऊपर उड़ जाओगे। तो दूसरे वाले ने भी छलांग लगाई और पंख हिलाया 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 हिलाया, एक स्टेज के बाद काफी नीचे चला गया और डरने लगा घबराने लगा, और फिर पंख हिलाता रहा हिम्मत करके, तो ऐसे स्टेबल चलने लगा, और उसी टाइम पे उसको ख्याल आया कि यार मैं तो ऊपर की तरफ उड़ ही नहीं पा रहा हूं, लग रहा मम्मी कुछ बताना भूल गई, लग रहा मम्मी कुछ बताना भूल गई, मुझे कुछ और करना चाहिए, और करेगा तो क्या करेगा? पंख हिलाना बंद, और वो भी टपक गया और मर गया। तीसरे वाले बच्चे को बोला कि बेटा दो भाइयों का देख चुका है तू हाल,
अभी तू पंख हिलाना बंद मत करना, अगर तू पंख हिलाता रहेगा तो पक्का स्टेबल हो जाएगा और फिर ऊपर भी उड़ जाएगा। तो तीसरे बच्चे ने बोला नहीं मम्मी अभी गलती नहीं करूंगा, और उसने ऐसे ही छलांग लगाई, पंख हिलाते रहा हिलाते रहा, वो भी नीचे आया फिर भी पंख हिलाते रहा। लेकिन जब स्टेबल सिचुएशन आई तब भी उसको भी डर लगा, लेकिन फिर भी पंख हिलाते रहा हिलाता रहा हिलाता रहा हिलाता रहा, और ऊपर की तरफ उड़ गया और उड़ना सीख गया वो। थैंक यू। इसका मतलब यह है कि मैंने जैसे ज्वाइन किया या हमारे सर लोगों ने जैसे ज्वाइन किया, ऐसे ही हमने भी पंख हिलाए, हमको भी डर लगा, हम भी नीचे की तरफ गिरे, हम भी मतलब नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स जब और बच्चों के लिए काम किया वो हमारे लिए भी काम किया। लेकिन अपलाइन ने बोला बेटा पंख हिलाते रहना, क्या करते रहना, पंख हिलाते रहने का मतलब प्लान दिखाते रहना और एक हर एक मीटिंग में जाते रहना, प्लान दिखाते रहना हर एक मीटिंग फंक्शन में जाते रहना, प्लान दिखाते रहना हर एक मीटिंग फंक्शन में जाते रहना, और एक दिन ऐसा आएगा तू पक्का डायमंड बन जाएगा और हम डायमंड बन गए। यही एक राज है। थैंक यू। लेकिन दोस्तों हम लगे रहे, आगे आगे थोड़ा सा रिजल्ट निकलना शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आपके निकलते हैं या किसी के भी निकलते हैं तो उसका फिर ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है। मेरे साथ भी काम किया, क्योंकि पहले जमाना और था अभी जमाना और है, और ये जमाना बदलता रहता है। अभी मैंने जैसे ही मुझे दो डीडी मिले एक दिन, उसी दिन मैं बैंक में गया डीडी बनाने के लिए, मैंने फॉर्म भर के दे दिया और पैसे दे दिए, उसने ठप्पा मार कर रसीद दे दी, और मेरी तरफ देख के बैंक के उस कैशियर ने बोला, क्योंकि मैं ड्रेस में था, बोला भाई साहब देखने में शरीफ लग रहे हो, फौजी आदमी हो, खुद तो फंस गए दूसरों को क्यों फंसा रहे हो। मैंने सोचा यार ये तो बड़ा उल्टा काम हो गया, गलती होगी, मुझे ये भी अक्ल नहीं थी, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि डीडी कैंसिल हो सकता है। लेकिन मैं तुरंत लुटा पिटा हुआ सा महसूस करके माथे पे पसीना आ गया और मुझे पीला पीला दिखाई देने लगा, और मैं नीचे की तरफ आया। और जब ऐसी सिचुएशन किसी के साथ हो तो उसको उस समय पे कौन याद आता है, अपलाइन, यस और नो। तो दोस्तों मैं आया और मैं नीचे आके अपने अपलाइन को फोन लगाया, मेरे अपलाइन उस टाइम पे जबलपुर में थे, ओम प्रकाश जी, मिस्टर ओम प्रकाश जी। तो मैंने फोन लगाया तो उन्होंने फोन उठाया, बोला हाँ अग्रवाल जी। मैंने बोला सर अग्रवाल बोल रहा हूँ आगरा से, बोला हाँ अग्रवाल जी। मैंने बोला सर दो डीडी बैंक में बनाने के लिए आया हुआ था, बोला वेरी गुड कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बढ़िया। मैं बोला आगे तो सुनो, बैंक वाले भाई साहब ने ऐसे ऐसे बोला है। अरे बोला अग्रवाल जी कुछ नहीं होता ऐसे बोलने से, ऐसे बोला था लोगों ने राइट बंधुओं को कि हवाई जहाज नहीं बनेगा, आज लोहे का हवाई जहाज उड़ता है कि नहीं, ये सब नो। ऐसे ही बोला था लोगों ने थॉमस एडिसन को कि बिजली नहीं बनेगी, आज बिजली है कि नहीं, ये सब नो। और बोला ऐसे ही बोला था राजीव सर को कि ये नेटवर्किंग नहीं चलेगी, आज वो इसमें डायमंड है कि नहीं, ये सब नो। और ऐसे ही बोला था जैन साहब को, और बोला लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, बोला ऐसे ही मुझे भी बोला था, लेकिन मैं भी डायमंड बनने वाला हूं, और अग्रवाल जी लिखवा के ले लो, अगर लोग आपको ऐसे बोलते रहेंगे और आप फिर भी डटे रहेंगे तो आप भी एक दिन डायमंड बन जाओगे, एक दिन आप भी डायमंड बन जाओगे। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन दोस्तों बताते हैं कि ठोकर खाने से, सॉरी काजू खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से अकल आती है, यस और नो। मेरे को झटका लगा था और ये बात मेरे को बड़ी बड़ी दिखने लगी, मेरे को समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा कोई नॉलेज का बैकग्राउंड नहीं था। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो मैं फौजी ऊपर से जाट, समझ में आएगी बात, नहीं आई। मैंने बोला सर सिंपल भाषा में अगर आप समझा सकते हो तो आप समझा दो, अदरवाइज कोई बात नहीं है, आपकी हमारी नमस्ते। तो उन्होंने एक बात बोली, क्या बात बोली आप जानना चाहोगे, उन्होंने एक बात बोली कि अग्रवाल जी आप ये बताओ उस बैंक वाले भाई साहब को एक नंबर का व्हाइट मनी एक महीने में कितना तनख्वाह मिलता होगा। मैंने बोला सर 10-11 हजार रुपए महीना, 2003 की बात है। और बोला जो हमारे आदर्श हैं जिनको देख के हम काम कर रहे हैं, जो हमारे मेंटर हैं, उनको कितना मिल रहा होगा एक नंबर का व्हाइट मनी एक महीने में कितना मिल रहा होगा। मैंने बोला सर 10-11 लाख रुपए महीना। बोला एक आदमी को एक नंबर का व्हाइट मनी 10-11 हजार रुपए महीने मिलता है, और एक आदमी को एक नंबर का व्हाइट मनी 10-11 लाख रुपए महीने मिलता है, कौन ज्यादा समझदार है, हजार वाला या लाख वाला। दोबारा सारे लोग बोलेंगे हजार वाला या लाख वाला।
मैं भी आप लोगों की तरह ना लालच में आ गया। मैंने बोला सर लाख वाला ज्यादा समझदार है। कौन समझदार है? तो उसी टाइम पे उन्होंने एक बात बोली कि ग्रेवाल जी जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपको लेना पड़ेगा, लेकिन मैं लिख के देता हूं कि आप अगर हजार वाले की मानोगे तो हजार वाले रह जाओगे और लाख वाले की मानोगे तो लाख वाले बन जाओगे। जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है, क्या आप करना चाहते हो जॉब कर लो। थैंक यू। लेकिन दोस्तों थैंक्स टू गॉड और थैंक्स टू सिस्टम कि उस टाइम पे मेरे दिमाग में बात आई कि यार हजार वाले की मानूंगा तो हजार वाला रहूंगा और लाख वाले की मानूंगा तो लाख वाला हो जाऊंगा। हजार वाला तो मैं पहले ही हूं, 8-9 हजार रुपए की महीने की नौकरी तो पहले ही कर रहा था, किसकी माननी चाहिए? लाख वाले की। और मैंने लाख वाले की मानने का डिसीजन लिया और इसमें काम करता रहा। थैंक्स टू सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, थैंक्स टू मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजीव चतुर्वेदी सर, मिस्टर संजय जैन जी, ओम प्रकाश जी, इन लोगों की आशीर्वाद से, कंपनी की वजह से और हमारी टीम के एक एक टाइगर की वजह से आज इंदर सिंह ग्रेवाल इसी सिस्टम से एक महीने में 8,000 रुपए महीना नहीं कमाता, कम से कम आज की डेट में 13-14 लाख रुपए महीने कमाता है। 13-14 लाख रुपए महीने कमाता है।